स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. नागपूर येथे नार्कोटिक्स विभागाद्वारे ड्रग तस्करी करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक. आरोपींजवळून 71 ग्राम MD ड्रग जप्त. सात ऑक्टोबर पासून नागपूरवासियांना मिळणार आग्याराम देवीचं दर्शन, मात्र ज्येष्ठ अपंग व लहान मुलांना मंदिरात प्रवेश निर्बंध. आणि हिंगणा तालुक्यातील इसासनी निवडणूक केंद्रावर EVM मशीन उपलब्ध नसल्याने मतदारांचा उद्रेक, मतदान रद्द करण्याची मागणी. आजच्या ठळक घडामोडींनंतर आता सविस्तर वृत्त. नागपुरात अंमली पदार्थ विभागाने दोन आरोपींकडून लाखो किमतीची MD ड्रग्ज जप्त केली असून दोन्ही आरोपींनी रायपूर येथून 71 ग्राम MD ड्रग्ज आणली होती, ज्यांना नागपुरातील लॉजमधून रंगेहात अटक करण्यात आली. नागपुरात MD ड्रग्ज संदर्भात दोन आरोपींना NDPS पथकाने कारवाई दरम्यान अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नार्कोटिक्स विभागाने हे काम नागपूरच्या संत्रा मार्केटमधील एका लॉजमध्ये केले. NDPSला माहिती मिळाली की दोन अज्ञात व्यक्ती लॉजमध्ये MD तस्करी करत असून त्यांच्याकडून 71 ग्राम ड्रग्ज 7,17,500 रुपये जप्त करण्यात आले आहे. दोन्ही आरोपींनी हे MD ड्रग्ज रायपूर येथून आणले होते. एका आरोपीचे नाव मोहम्मद सोहेल, रहिवासी चराईपूर, तर इतर आरोपी नितीन नागपूर रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. हमको गोपनीय माहिती मिली, उसके आधार पे हमने संतरा मार्केट के वहाँ एक लॉज पे कार्रवाई की करके दो लोगों को ताबे में लिए. उनके पास से लगभग 71 ग्राम MD पाउडर मिली है. ये अधिक पूछताछ करने के बाद उनसे पता चला कि ये लोगों ने रायपुर से माल लेके आए थे. नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर नागपूरच्या प्रसिद्ध आगाराम देवी मंदिर ट्रस्टतर्फे नवरात्रीच्या संघटनेविषयी माहिती देण्यात आली. 7 ऑक्टोबर पासून मंदिर उघडण्याचा निर्णय पाहता आगाराम देवी मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष आमदार गिरीश व्यास यांनी सांगितले की आईच्या दर्शनासाठी RT-PCR चाचणीसह ओळखपत्र अनिवार्य असेल. सोबतच मंदिरात ज्येष्ठ अपंग आणि लहान मुलांच्या प्रवेशावरील निर्बंधांविषयी सुद्धा त्यांनी माहिती दिली. चैत्र नवरात्री उत्सव का अश्विन नवरात्री उत्सव का प्रारंभ 7 अक्टूबर से होने वाला है. कोरोना संक्रमण काल के बाद राज्य सरकार ने इस वर्ष निर्णय लेकर एक अध्यादेश जारी करके मंदिर खोलने की अनुमति दी है, जिसका सारे श्रद्धालुओं को बड़ा उत्साह है, उमंग है, उत्साह है, आनंद है. मंदिर ट्रस्ट भी बहुत खुश है कि 2 वर्षों से दर्शक भक्त श्रद्धालु मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे और इस नवरात्रि में वो लोग आएंगे. मंदिर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है. आपने जैसा देखा, हमने सारा मंदिर को माता के भेंट के लिए पूरा सजा कर तैयार किया है. मंगळवारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणूक मतदानाला सुरुवात झाली, मात्र इसासनी निवडणूक केंद्रावर 2 बूथ लागले नसल्याने निवडणूक रद्द करण्याची मागणी मतदारांनी केली. हिंगणा तालुक्यात 3 जिल्हा परिषद व 4 पंचायत समितीसाठी निवडणूक पार पडली, मात्र डिगडो इसासनी येथील भीमनगर या केंद्रावर बूथ क्रमांक 282 व 283 इथे EVM मशीनच उपलब्ध नसल्याने मतदारांमध्ये मोठा उद्रेक बघायला मिळाला. येथील मतदान रद्द करून नव्याने मतदान घेण्यात यावे अशी मागणी मतदारांतर्फे करण्यात आली. या संदर्भात काही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस अधिकारी व तहसीलदार यांना निवडणूक रद्द करण्यासाठी निवेदनही दिले. वापस आया 5 नंबर में जा बोला. अच्छा, 5 नंबर से बालवाड़ी में क्या बोला? हाँ, इधर भी वोटिंग नहीं बोलते और इधर से इधर भेज रहे, इधर उधर भेज रहे मेरे. तो ये क्या है? वोटिंग कई बार नहीं है. वोटिंग रहती थी तो वहां से लिख के देते थे, क्या नाम होगा करके लिख के दिया ना मेरे को. तब तो इधर नाम इधर 5 नंबर में गया, इधर भेजे, इधर से उधर भेज रहे, तो क्या करेंगे इसका? ये माध्यम से जो पब्लिक का तमाशा चल रहा है, ये हमको सहन नहीं हो रहा. इस माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि जिसकी सरकार है हिंगणा तालुका लेवल पे, वो जो आमदार होगा उसके माध्यम से खेल चल रहा है. ठीक है, ये खेल खत्म होना चाहिए. अगले 35 साल से जो यहाँ पे आज तक नहीं हुआ, ये आज पहली बार हो गया है. इस माध्यम से इसको रुकट आना चाहिए और ये बस्ती को न्याय मिलना चाहिए. हिंगणा तालुका लेवल पे ये दलित बस्ती है पूरी तरह पे. यहाँ पे ये रोड नहीं बना, सिर्फ 0 डिग्री का रोड बन सकता है. ये भीमनगर का रोड कहाँ पर रूटिंग था आपका?
अब मेरा यहाँ भीमनगर में बचपन से आज से क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? मैं तीनों जगह से वापस आया, मेरा तीनों जगह फैल है, कोई नाम नहीं है, नाम रहने के बाद कुछ नहीं है, नाम नहीं है, बाहर नाम मिल तो आत्मजला लिस्ट पर नाम ना, तो बाहर से लिस्ट पर नाम आया, तीनों जगह बूट कर गया मैं, तीनों जगह लिस्ट पर आया है, बाहर तीनों जगह लिस्ट पर आया मैं, मुझे कैसी बात है, मैं कहना के गायब है, ये मेरा कोई होटल नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया था, हम सामान्य जनता के उम्मीदवार है, सामान्य जनता के पैसे पे खड़े हुए और हमारे साथ इस तरह की धांधली, हमारे वोटर को वोट नहीं देने गया, हमारे पास बात बात करने के सिवा कोई चारा नहीं है, ये चुनाव रद्द किए जाए। देखिए बिल्कुल रद्द करना ही चाहिए ये इलेक्शन, क्योंकि मैं भोजपुरी सिंगर, मेरे घर का एक भी वोटिंग नहीं है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन रद्द किया जाए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के जाता हूँ, आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा, भोजपुरिया सिंगर सनी सिंह राजपूत, तमाम छोटागन ईसा सनी वाकधारा के ये चुनाव डबल इलेक्शन होना चाहिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इलेक्शन डबल से होना चाहिए, क्योंकि ये में घापा चोपी है, किसी का वार्ड में किसी का नहीं है वोटिंग, मेरे घर का एक भी वोटिंग में नाम नहीं है, तो मैं आप लोग से दरख्वास्त करता हूँ ये इलेक्शन रद्द किया जाए। नागपुरातील मोतीबाग येथील माता मंदिर परिसरात सोमवारी तृतीय पंथी समुदायावर काही समाज कंटकांनी हल्ला केला, तसेच त्यांच्याशी दूरव्यवहार करत जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला व त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली। तृतीय पंथी गटाने या संदर्भात पाच पावली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर के मोतीबाग के कला माता मंदिर के स्थित कुछ बस्ती है, वहाँ पे कल रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने किन्नर समाज के लोगों के साथ आके अत्याचार करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि ये मामला एक्चुअली है क्या। नमस्ते जी, मैं तमन्ना किन्नर, बट मैं घर में अपना खाना पीना खा रही थी और ज़बरदस्ती वो अन्ना वगैरह से घर में घुस गए थे और मारपीट करना चालू कर दी, मैं तो क्या हुआ क्या नहीं, तो बात भी नहीं करी, कुछ भी नहीं, पर मेरे घर का सामान, मेरे पैसे, अलमारी सलम सब तोड़ फोड़ करके ऐसे पूरा रख दिए, या कि औरतों को भी नहीं छोड़े, किसी को भी नहीं छोड़ा, और वैसे बंदी गंदी गंदी गाला बकना, यहाँ से पूरा तोड़ फोड़ करना सब कुछ, इतना गंदा ज्यादा, मतलब अत्याचार, कहते हैं पुलिस वाले कुछ भी नहीं, इतने धंधे वाली। इसके बाद में भी उनके बारे में हम लोगों ने कंप्लेंट करे, उन लोगों ने पुलिस वाले ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बार बार वो यही करता है, हमेशा आता है यहाँ पे शोर शराबा मारना पीटना बस्ती वालों को, ये धंधे करना और हमारे को भी तकलीफ देना, हमारे घरों में घुसना, हमारे को जोर जबरदस्ती करना कि हमारे के साथ में गंदे व्यवहार करो, फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग किसको बारे में किसको बताएंगे हमारे बारे में, तो आप लोग जीने का हक नहीं, कुछ नहीं है, हमें समाज में जीने का हक नहीं, हम किन्नर है, इसका मतलब हम अपनी आबरू और अपनी इज्जत हथेली पे लेके घूम रहे कि ले लो, हमारे तरफ से समाज नहीं है कि हम समाज में जी नहीं रहे हैं, आपके शरीर का खून लाल है और मेरा पीला है क्या, हमें भी हक और हमारी हक की लड़ाई है, हम चाहते कि समाज में जैसे आम आदमी जीते हैं, आम औरत जीती है, वो हक हमें मिले और हमारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, और हम जिस चीज़ के लिए खड़े होते हैं उस चीज़ के लिए मेरे चार भाई भी खड़े हों, बस मैं इतना चाहती हूँ। और ये बस्ती वालों के लिए, इनकी देखो, इनका नाम लल्ला बाई है, इनकी सुंदर सुंदर बेटी है, उनको इतनी गंदी गंदी गालियाँ कि मैं रेप कर दूंगा, मैं अपनी रात बिताऊंगा इनके दरवाजों पे जाके, ऐसा बोल के पत्थर मैडम से बात करवाओ, हमारे घर पे, हमारे घर में आदमी जात नहीं है, लड़की लड़की है, और खूब गाली दिया, गंदा गंदा मुंह चलाया, इनका ब्लाउज, और मेरे घर में दांत तोड़ दिया, मेरा लड़का जवान सो रहा उसके सामने बोल रहा है छिनाल अनीता, ये भाई के घर वाले मेरे को बचाया, और उससे पहले मेरे को दो बार मारे इन लोगों ने, यहीं पर पैराडाइस आगे में हार्ट भी आया था मेरे को पहले, ये पैराडाइस का बीमार हूँ मैं, इतना अत्याचार कर रहे लोग, तैयार करवा रहा है, और मेरे समधी को ऐसा मारेगा उसकी डेट हो गई, इन लोगों की जान गई है इनके दहशत से, ऐसी हालात में ये लोग अपना पेट भरेंगे या उन लोगों से झगड़े करेंगे या लड़ाई करेंगे, ये सवेरे शाम तक बेचारे दो रुपए कमा के लाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, तो अपना पेट भरेंगे कि अपना घर को तोड़ फोड़ में सुधारा करेंगे, ऐसे नुकसान करके गए हैं, अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे कैसे जियेंगे ये गरीब बच्चे भी, क्या तीन चार साल से अत्याचार करा, फिर भी हम भैया 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 करे, पर वो कमजोर लोग को भरे नवरात्रे में पंचमी की पूजा में हम भजन कर रहे थे, ससुरे को उठा के ला के मारा,
संध्या गलत शब्द बार बार हम कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट के मामले में पुलिस वाले कुछ दर्ज नहीं करते हैं, कुछ नहीं हम लोगों के लिए कुछ करते नहीं है। ये देखो हमेशा का नाटक है, हमेशा का ये कौन सुनेगा, ये कौन तकलीफ झेलेगा। यह है दर्ज करने के बाद में भी हमारे लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई न्याय नहीं है। कल फिर और बड़े बड़े लाऊंगा इसको तो बाल पकड़ पकड़। पांच पावली थाना के विक्रांत महादेव धारकर ने हम लोग जब ज्यादा बोले तो बोला शट योर माउथ, आप लोग चुप रहिए। और हमने FIR की जब कॉपी मांगी, FIR का रिपोर्ट जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसकी रिपोर्ट हमको तुरंत जेरोक्स देनी चाहिए, उन्होंने जेरोक्स तुरंत नहीं दी, उन्होंने बोले मॉर्निंग में आकर ले जाइएगा। और अन्ना यहाँ से जाते जाते हम लोगों को धमकी भी देकर गया, आज तो कम हुआ है कल और रिवॉल्वर आएंगे और कल और ज्यादा लड़के और मर्डर होगा यहाँ पर। और हमारी ननद और मेरी सास इधर रहती है, हम लोग समता नगर में रहते, इसको बाल पकड़ पकड़ के आज से 2 साल पहले इतना मारा इतना कि बचाने वाले भी भाग गए, फिर भी हमने डर के मारे हमारा आदमी लड़ेगा मुसलमानों से हम कहाँ जीतेंगे, डरा डरा के। पुलिस इस वक्त पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? पुलिस प्रशासन चली जाती है, उसको पकड़ लेती है, छोड़ देती है। और ये मेरी बड़ी माँ इनकी, और ये गरीब भी बस्तियों में ज्यादा दादागिरी दिखाता है, ये इतनी बुढ़ी औरतों को दांत तोड़ा, 2 साल के बाद मारा, चारों बच्चे को मारा, इनके दांत तोड़ा, आज वो अम्मा के दांत तोड़ा, क्या कर रहा है वो, क्यों कर रहा है? ये गरीबों से उनको क्या प्रॉब्लम है? तू इस जगह रहा दोस्ताना बनाया इन लोगों के साथ, तेरे को जगह मिली और आज तू उन पे ही शेर हो रहा है, ये कहाँ का न्याय है? अरे तू अपनी जिंदगी जिए, इनको अपनी जिंदगी जीने दे, तू भी बच्चे वाला है, ये भी सब अपने घर में बाल बच्चे माँ वाले है, तो इनको क्यों परेशान कर रहा है? वो क्या गलती है इस बस्ती में, उसका क्या लेना देना है? कोई बीबी है, कोई तेरी बहन है, कोई तेरे सगे चौधे जो यहाँ आता है, तू बताना कि तेरा किस औरत से रिश्ता है, तू आ और उसको ले जा। हम यही चाहते, बाकी गरीबों को परेशानी नहीं चाहिए, ये सब हमारे माँ बहन है, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ पर ये मेरे रिश्तेदार है, मेरी माँ बहन है, और हम इनके लिए हर जगह खड़े रहेंगे। और वो हमको अगर रोकता है रास्ते में, उसके लिए भी हम लड़ने को तैयार है, हम उससे नहीं डरते पर हम अपने परिवार से डरते हैं। और वो हमारे मुँह हम रात को खाना खा रहे थे, हम दोनों जन वो अंदर आया, हम दोनों को मारपीट करने लगा, तो हम हमारी जान वास्ते बचाने के वास्ते हम घर के बाहर भागे, हमारे घर में के सिलेंडर उसने गिराए, हमारे घर में के घर फोड़ कर पूरा एक कर दिया उसने, हमारे घर में पैसे थे पैसे चोरी हो गए हमारे घर में के पूरे, बच्चियां बराबर की हमारी, और हमारे क्या बोलता, तुम हिजड़े बोले, तुम छक्के लोग यहाँ कैसे रहते बोले, तुम्हारी माँ छोड़ूंगा, तुम्हारे माँ बहना धंधे में बिठाऊंगा, ऐसे गाले गाले दे रहा था पूरे वो। मंगलवार नागपुर अखिल भारतीय कांग्रेस से प्रवक्ता मोहन प्रकाश यांची पत्र परिषद आयोजित करण्यात आली होती। या पत्र परिषदे दरम्यान मोहन प्रकाश यांनी केंद्र सरकारच्या नीतिमत्तेवर प्रश्न उपस्थित करून केंद्र सरकार तानाशाही सरकार असल्याचं सांगितलं। त्यांनी लखीमपूर इथे काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांच्यासोबत झालेल्या दुर्व्यवहाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले। अमानवीय व्यवहार कर रही है दोनों के प्रति, अन्य दलों के साथ भी उन्होंने किया, और मैं ये कहना चाहता हूं ये पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी अत्याचार योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है वहां पर प्रियंका गांधी गई है उनकी सहानुभूति, और हर जगह प्रियंका गांधी जी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की भी हुकूमत रही है, लेकिन एक जगह बता दीजिए कि विपक्ष के लोगों को घटनास्थल पर जाने से रोका या अपमानित किया हो। हां कई बार सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसमें जरूर रुकने की बात होती है। लड़ाई अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रही हमारी सड़क पर, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी का कॉलर पकड़ के खींचा गया, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के को पकड़ के खींचा गया, राहुल जी को पटक दिया गया, कौन सा राज्य ऐसा है जहां कि हमारे लोग लगातार, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, कोरोना के अंदर जब परेशान थे लोग तब युवक कांग्रेस और कांग्रेस ही पार्टी थी, जब लोग मजदूर पैदल आ रहे थे एक भी काली टोपी वाला दिखाई पड़ा क्या मदद करते हुए, हाफ पैंट पहने हुए? चिल्ला के कहा कि पैसा कहां से लाओगे, और मोदी ने तो कहा कि यह खंडहर है। लेकिन जानते हैं 35,000 करोड़ रुपए से पहली बार मनरेगा शुरू किया गया, कब? 2008 में, जब दुनिया के बैंक फेल हो रहे थे। लेकिन वो किसको गया पैसा?
वो 35-37 हजार करोड़ रुपया उन लोगों की जेब में गया जो एक रुपया भी बाइंग कैपेसिटी वाले नहीं थे, ठीक है। तो जब उसके पास पैसा गया तो वो पैसा मार्केट में आया, किसी ने साइकिल खरीदी, किसी ने साबुन खरीदा, किसी ने छोटा मोबाइल खरीदा या किसी ने एक कमरा बनाया, तो वो जो पैसा था 37.5 हजार, छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, ये पैसा मार्केट में गया, और मार्केट में गया तो मार्केट खड़ा हुआ, और मार्केट खड़ा हुआ तो इकोनॉमी भी खड़ा हुई और रोजगार भी बढ़ा। दुकान में अगर कोई माल खरीदने नहीं आएगा तो उस माल को बनाने वाली कंपनी भी बैठ जाएगी। हर चीज को, हर जो इस तरह का एकाधिकार करने का काम, देखिए दो चीज इसमें है एंगल, एक एंगल ये है कि आप सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं जो कि इस देश की आर्थिक आजादी की प्रतीक हैं, आत्मनिर्भरता की प्रतीक हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा अपराध है वो अपने मित्रों को दे रहे हैं ताकि उनका उस क्षेत्र पर एकाधिकार हो जाए, ये उससे बड़ा अधिक अपराध। वेल चले का छोटा सा ब्रेक ची भेटो या ब्रेक नंतर। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बँक नागपूर। ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे। नेर तालुक्यात पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून बरेच पीक हातातून गेले आहे। शेतकरी फार संकटात असून त्याच्यावर या नुकसानामुळे कर्जाचा भार आणखीच वाढणार आहे। कोरोना काळात शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले। कर्ज उसनवारी करून शेतकऱ्यांनी पेरणी केली। सुरुवातीला पीक पाणी चांगले होते, मात्र मुसळधार पावसामुळे फार मोठे नुकसान झाले। राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसान भरपाई द्यावी या मागणीचे निवेदन नेर तालुक्यातील शिवसेना तालुका प्रमुख मनोज नाल्हे, दीपक आडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठवले आहे। नेर तालुक्यामध्ये अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानाची माहिती शासनाला देण्यासाठी आज आम्ही आज नेर तहसीलला आलेलो आहोत। सततच्या पावसामुळे मुख्य व्यवसाय असलेला शेती व्यवसाय डबगईस आलेला आहे। शेतकरी अतिशय संकटात सापडलेला आहे। त्या शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी, आपल्या हक्काच्या सरकारला माहिती देण्यासाठी आज या ठिकाणी आलेलो आहोत। शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, परंतु किती प्रमाणात झालं, काय झालं, याचा शाश्वत डाटा या ठिकाणी तयार नाही। म्हणून आम्ही शिवसैनिकाच्या माध्यमातून प्रत्येक गावामध्ये शेतकऱ्याचं नाव, त्याचा सर्वे नंबर, क्षेत्रफळ, शेतामध्ये पेरलेलं पीक आणि झालेलं नुकसान याची माहिती आम्ही या ठिकाणी जमा केली आणि ती सगळी माहिती घेऊन आम्ही आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयाला देण्यासाठी नेर तहसीलला आलेलो आहोत। जेणेकरून नेर तहसीलमध्ये जे नुकसान झालेलं आहे, ज्या शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, त्यांना कुठेतरी शासनाची मदत या ठिकाणी मिळाली पाहिजे, ती माहिती देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे आणि या निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री साहेब आमचा विचार करतील आणि तालुक्याला भरघोस अशी मदत शेतकऱ्याला करतील अशी या ठिकाणी आम्ही आशा। नागपुरातील पाचपावली पोलीस ठाण्याजवळ कचरा उचलणाऱ्या काही तरुणांनी आपल्या साथीदाराला दगडाने ठेचून त्याची हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे। सोमवारी रात्री ही घटना घडली असून मनोज उर्फ घंटी घंटेश्वर असे मृताचे नाव आहे। पोलिसांनी भजन, पोलंगा आणि सुनील नावाच्या 3 आरोपींना ताब्यात घेतले आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी आणि मृतक पाचपावली परिसरातील कचरा उचलतात।
सायंकाळी 7:30 चौघे पाचपावली पोलीस ठाण्याजवळ असलेल्या कुंभारपुराच्या शास्त्रीनगर उद्यानाजवळ दारू पीत होते. या दरम्यान त्यांच्यामध्ये वाद झाला व भजनने घंटीला मारण्यास सुरुवात केली. सुनील आणि पोलंगानेही भजनसोबत आपला हात साफ केला. या दरम्यान आरोपींनी घंटीला सिमेंटच्या दगडाने ठेचून ठार मारले व तिथून पळून गेले. या घटनेची माहिती पोलिसांना लगेच मिळाली नाही. घटनास्थळाजवळ एक रुग्णालय आहे, तेथील डॉक्टरांनी पोलिसांना ही माहिती दिली. पोलिसांनी घंटीला रुग्णालयात नेले, मात्र त्याला मृत घोषित करण्यात आले. शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यासह इतर मागण्यांसाठी निवासी डॉक्टरांनी संप चौथ्या दिवशीही सुरू ठेवला, परंतु मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा केल्यानंतर सेंट्रल मार्डने रात्री 10 संप मागे घेतला. तसेच रात्रीच्या वेळी सर्व निवासी डॉक्टर आपल्या कामावर परतले. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी सेंट्रल मार्डला त्यांच्या मागण्यांवर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले, मात्र वेगवेगळ्या कॉलेजांकडून लेखी आश्वासने मागितली जात होती. यामुळेच रात्री 10 संप सुरू होता. सेंट्रल मार्डकडून बैठकांची फेरी दिवसभर चालू होती. सलग 4 चाललेल्या संपामुळे मेडिकल आणि मेयोच्या OPD रुग्णांची संख्या कमी झाली होती. दुसरीकडे किरकोळ शस्त्रक्रिया देखील पुढे ढकलण्यात आले होते. सुरुवातीचे 2 फारसा परिणाम झाला नसला तरी सोमवारी परिस्थिती बिघडायला लागली. दोन्ही महाविद्यालयांचे सुमारे 750 निवासी डॉक्टर कामावर आले नसल्याने रुग्णांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. सोमवारी केवळ आपत्कालीन सेवा सुरू करण्यात आली होती, तर OPD रुग्णांच्या तपासणीसह इतर सेवा बंद करण्यात आल्या. दुपारी 3 अपघात विभागातील निवासी डॉक्टरांनी त्यांची सेवा बंद केली होती. मेडिकल मार्टचे अध्यक्ष डॉक्टर सजल बन्सल यांनी सांगितले की दिवसभर चाललेल्या बैठकांनंतर रात्री संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र हा संप 3 पुढे ढकलण्यात आला आहे. दरम्यान सरकारला 3 मागण्या पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. जर सरकारने या कालावधीत मार्टच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर पुन्हा निवासी डॉक्टर संपावर जातील. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणूक मतदानाला मंगळवारी सकाळी 7:30 सुरुवात झाली. ग्रामीण भागात या निवडणुकीत बरेच मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी उत्साही दिसून आले. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकी दरम्यान ग्रामीण भागात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त करण्यात आला आहे. निवडणूक कार्यक्रमाच्या घोषणेसह आदर्श आचारसंहिता व कुठल्याही प्रकारच्या नियमांचं उल्लंघन होऊ नये यासाठी SST 25, FST 26, VST 29 व VVT 17 अशा टीम पहिले नेमण्यात आल्या आहेत. मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी पैसे किंवा दारूचं वितरण तर करण्यात येणार नाही ना, यावर नजर ठेवण्याचं कार्य या पथकांना देण्यात आलं आहे. तर सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी पोलिसांचं पथक प्रत्येक सर्कलमध्ये नेमण्यात आलं आहे. या निवडणुकांमध्ये भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या सर्व पक्षांनी आपल्या विजयाबद्दल सकारात्मकता व्यक्त केली असून सर्वच पक्षांना त्यांचे उमेदवार निवडून येतील असा आत्मविश्वास वाटत आहे. नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील पिके, रस्ते, कलवट, घरे इत्यादींचा नुकसानी संदर्भात अहवाल तयार करून तात्काळ प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी विमला आर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा कृषी अधीक्षक मिलिंद शेंडे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी पूरग्रस्त कुटुंबांना तातडीने मदत करण्याचे आदेश दिले असून बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की जून ते सप्टेंबर या कालावधीत 6,250 हेक्टरमध्ये 33% जास्त पिकांचे नुकसान झाले आहे, ज्याने 11,000 शेतकरी बाधित झाले आहेत. 1 ते 3 दरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पुरात 21 मृत्यू झाला. त्याचवेळी 125 गुरांनीही आपला जीव गमावला. मिळालेल्या 27 14 रुपये आतापर्यंत वितरित करण्यात आले असून अजून 13,15,000 रुपयांची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. पालकमंत्र्यांनी विभागवर झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली. मत्स्य व्यवसाय संस्थांनाही पुरामुळे मोठा फटका बसला आहे. वेणा, कोलार, नंदा गोमुख, उमरी, चंद्रभागा, मधुगंगा जलाशयातील सुमारे 2 मत्स्यपालन कुटुंबांचे नुकसान झाले आहे. पालकमंत्र्यांकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना मदतीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तर आज VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडींसह. बघत राहा VKB न्यूज. नमस्कार.